हेलो साइबर वॉर्म्स, वेलकम बैक। मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं साइबर गार्ड पावर्ड बाय नीट रूट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक मूवी का वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बड़ा साइबर अटैक था, काफी एक्सपर्ट्स लगे हुए थे, फिर भी हैकर को रोक नहीं पा रहे थे। ऐसे में मिस दास को मेरा ख्याल और मुझे बुलाया। दिस विल बी गॉन। ओह माय गॉड, बासु बासु कम फास्ट, वी नीड यू, कम ऑन, वी नीड यू हियर। सी दिस, चेक दिस, वी हैव टू स्टॉप हिम। बाइनरी कोड को ब्रेक करो जल्दी। हैकर के आईपी एड्रेस से पहुंचे बिना वी कांट स्टॉप हिम। बासु डू समथिंग। ओह नो 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 गाइस, द पेपर वॉल इज ब्रीच। व्हाट? ब्रीच हो गया सर और सारा डेटा उसके पास जा रहा है। ये सब कैसे हुआ? देखिए, हैकर के आईपी एड्रेस तक हम पहुंच नहीं सकते थे, पर हमारा डेटा उस तक पहुंचा। तो बस इसी डेटा में मैंने ये अपना न्यूक वायरस छुपा के उसके पास भेज दिया। यानी उसके सारे सिस्टम अब क्रैश हो चुके होंगे और जो भी डेटा उसने चुराया था ना, वो सब डिलीट, एक्सटर्मिनेट, ऑब्जेक्टिवेट हो चुका होगा। तो ये क्लिप देखकर आपको कैसा लगा? मजा आया ना? बेसिकली ये क्लिप जीनियस नाम की मूवी से निकाला गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि कोई हैकर है जिसने की गवर्नमेंट साइट पर अटैक कर रखा है और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कोई आइडिया नहीं हो रहा है कि क्या करना है क्या नहीं कर रहा है। और गवर्नमेंट डेटा आप जानते ही होंगे कि कितना क्रिटिकल होता है। तो यहाँ पर उन्होंने वासु को बुलाया जो कि एक हैकर है और उसको बोला कि इसको, इस हैकिंग को किसी भी तरह रोको या फिर जो फाइल ट्रांसफर हो रही है उसको रोको। बट वहाँ पर जो हैकर ने मालवेयर डाल रखा है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है जिसकी वजह से ये रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ पर वासु भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके कंट्रोल में अब कुछ नहीं होता है। लाइक अगर आपके पास कोई साइबर अटैक हो रहा है या फिर आपका कोई आईडी हैक हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है तो मैक्सिमम चांसेस क्या होती हैं कि वहाँ पर भी अगर आप बाद में हैकर के पास जाते हो कि रिकवर कर दो तो उसमें मुश्किल होती है या फिर उसको करना पॉसिबल नहीं होता है। बट कई चांसेस होते हैं कि रिकवर भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हुआ है। यहाँ पर वासु ने क्या किया कि वहाँ पर जो उसके पेन ड्राइव है उसके अंदर उसने एक पहले से एक वायरस क्रिएट करके रखा है जिसकी मदद से वो क्या करता है कि जो हैकर होता है उसके सिस्टम के अंदर जाता है और उसकी फाइल्स को डिस्ट्रॉय करके उसके बाद जितना भी फाइल्स ट्रांसफर हुआ होता है उसको बैकअप कर लेता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हमें अगर करना हो ऐसा तो हम क्या करें या फिर अगर हमें ऐसा वायरस बनाना हो तो कैसे बनाएं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर काम आता है मेटास्प्लॉइट का जिसकी मदद से आप बहुत ही इजीली वायरस बना सकते हैं या फिर पेलोड्स बना सकते हैं जिसकी मदद से आप किसी भी सिस्टम के अंदर जा करके
उनके फाइल्स को अपने कंट्रोल या फिर अपने एक्सेस ले सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। तो इसको बनाना मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत ईजी है, बट ईजी है। अगर आपको सीखना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर आपको इस चीज़ पर पूरी ट्यूटोरियल चाहिए कि कैसे हम इस पर वायरस बना सकते हैं और कैसे इसको परफॉर्म कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। और अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसके ऊपर फुल ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि कैसे आप मेटास्प्लॉइट की मदद से वायरस बना सकते हैं या फिर पेलोड्स बना सकते हैं जिसकी मदद से आप सिस्टम हैकिंग कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।